वी राइज क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया चेक करते हैं जिसके आपके लोन रिजेक्ट कम हो। तो पहली बात है मिनिमम और मैक्सिमम। लोन अमाउंट है 50,000 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 5 लाख तक का है, टेन्योर की 12 से 36 महीने। ये जो डॉक्यूमेंट है कंपलसरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 12 महीने का स्टेटमेंट, 1 साल का स्टेटमेंट जो बैंक में से आ रहा है वही, स्कैन कॉपी, फर्जी डॉक्यूमेंट, PDF के अंदर नहीं चलेगा, 1 महीने का सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी सैलरी जो है वो 12,000 से ज़्यादा पर मंथ क्रेडिट होना चाहिए। और 50,000 से कम होना चाहिए। कंपनी कौन कौन सी एक्सेप्ट करता है, कंपनी की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और एजुकेशन कंपनी काउंट करेगा। पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप, हॉस्पिटल, ये सब कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए दूसरी बहुत कंपनियां हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो हमारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के टाइप की बात करें तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, सेल्फ मैन, बिजनेस मैन, बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, लोन एजेंट, NBFC, ऐसे कोई बिजनेस सैलरीड होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। सैलरी जो बैंक में आना चाहिए, चेक से या कैश आता है तो कंसिडर नहीं करेगा। एग्जिस्टिंग EMI की बात करें तो आपका 50% फोर रेशो काउंट किया जाता है। लोन रिपेमेंट आपका सही होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, अगर कोई लोन में डिले किया है तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी काउंट किया जाएगा। आपका जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, आपके में सैलरी आ रही है उसका 5 टाइम्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो एलिजिबिलिटी नहीं बिठेगी आपकी। जॉब हिस्ट्री की बात करें तो आपको 12 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी कंपनी में। रेसिडेंस एड्रेस की बात करें तो कौन कौन से एरिया में करता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, दमन, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सभी एरिया में फंडिंग है। शॉर्ट में बात करें तो एज 21, मैक्सिमम 55 ईयर्स। कस्टमर खुद का ओन होना चाहिए, अगर नहीं है तो गारंटर जो दे रहे हैं उसका ओनरशिप होगा तो भी एक्सेप्ट करेगा। ओनर क्या क्या चलेगा गारंटर में, तो स्पाउस, पेरेंट्स, सॉरी ओनरशिप में कौन कौन से नाम पे ओनरशिप होगा तो चलेगा, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग, इन लॉ, सब लोगों का चलता है। अप्लाई करने का जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या हमारी वेबसाइट पे जाके digifriend.com पे जाके यहाँ पे सर्च करना है मनी ऑन क्लिक, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिंक, यहाँ पे लिंक से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज ओपन होगा, यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टाइप ऑफ एम्प्लॉई, वो पूरा डिटेल्स फिलअप करना है। सैलरी मोड कैश है तो रिजेक्ट होगा, अगर आपने डिले पेमेंट किया तो भी रिजेक्ट होगा। तो आपका क्रेडिट स्कोर सही है, ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया था वो फुलफिल होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, अगर ऐसी दूसरी भी बहुत सारी कंपनी है उसके लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।